नगर परिषद हमीरपुर द्वारा 1 से 15 फरवरी तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बाल स्कूल हमीरपुर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। नगर परिषद कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर प्रिया ने बताया कि शहरी आजीविका मिशन के तहत 1 से 15 फरवरी तक शहरी समृद्धि उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत पेंटिंग कंपटीशन करवाया जा रहा है, ताकि बच्चों को स्वच्छता के बारे में पता चले और वह अपने घर में जाकर घर वालों व आस पड़ोस को भी जागरूक करें। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर प्रिया ने बताया कि इस कंपटीशन में 4 स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया है, जिसमें 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि विजेता बच्चों को नगर परिषद कार्यालय के द्वारा पुरस्कार दिए जाएंगे और बाकी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर प्रिया ने बताया कि पखवाड़े के दौरान सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों का लाभ जनता को मिले, इसके लिए काम किया जाएगा। डीएनएलएम के अंतर्गत हमारे शहरी आजीविका जो हमारा मिशन है, उसके अंतर्गत हमारा पखवाड़ा चल रहा है, जिसे हम शहरी समृद्धि उत्सव जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मना रहे हैं। उसमें से ही ये एक एक्टिविटी हमारी है, जिसमें हम बच्चों के थ्रू पेंटिंग कंपटीशन के थ्रू जो है वो स्वच्छता पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, जिससे बच्चों को भी स्वच्छता के बारे में पता चले और वो अपने घर में जाकर भी इसके बारे में जानकारी दें। ये हमारा जो पेंटिंग कंपटीशन है, इसमें हमने 4 स्कूलों के बच्चे बुलाए हुए हैं, जिसमें से गर्ल्स स्कूल है हमारा, बॉयज़ स्कूल है, सावित्री पब्लिक स्कूल है और हमारा गुरुकुल स्कूल है। इन स्कूलों में से हमने 6th क्लास के स्टूडेंट्स, 7th क्लास के स्टूडेंट्स और 8th क्लास के स्टूडेंट्स बुलाए हुए हैं, जिसमें से हम 6th में से 1st, 2nd, 3rd प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7th में से 1st, 2nd प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 8th में से 1st, 2nd प्राइज जो है 3rd वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी के जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको हम जो है वो एक सर्टिफिकेट देंगे, जो कि नगर परिषद कार्यालय से ही दिया जाएगा, कि जो है वो विभिन्न गतिविधियाँ चल रही हैं, जिनमें से हमने अभी उन्हें स्कीमों के साथ जोड़ने के लिए जो हमारी 12 रुपये की बीमा योजना है और 330 रुपये की जो बीमा योजना है, उसके अंतर्गत हम उन्हें जो है वो बैंक के साथ जोड़ रहे हैं, ताकि उन्हें जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो उन्हें मिले।